बीते दिनों शहर में बेमौसम बारिश ने सड़कों की खस्ता हाल को उजागर किया, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश ने पाइपलाइन कामकाज पर लगाई रोक, जिससे परिसर के नागरिक परेशान। मूल रोड से सटे इंदिरा नगर एवं श्याम नगर परिसर में पानी की समस्या को देखते हुए पिछले 3 दिनों से नया पाइपलाइन का काम शुरू है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आने से शहर में रिमझिम रिमझिम बारिश होना शुरू हो गई है, जिसके चलते परिसर में जहां पाइपलाइन का काम शुरू था वहां गंदगी का आलम फैल गया है। रोजमर्रा की तरह बच्चे अपने स्कूल जाने में, बुजुर्गों को जरूरी कामों में बाहर जाकर आने में, कामगारों को अपने काम में आने जाने में, महिलाओं को रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने में पिछले 3 दिनों से परिसर में मेहनत करनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने सीटीवी संवाददाता को बताया कि इस वार्ड परिसर में चंद्रपुर महानगर पालिका के सदस्य रहते हैं। चुनाव के समय वे अपने चुनाव चिन्ह लेकर अपनी जीत के लिए घर घर मोहल्ले में घूमते हैं, लेकिन वार्डों की समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं रहता, जिसके चलते परिसर के नागरिक चिंता में है। संबंधित विभाग के आला अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान देकर समस्या का निवारण करने की मांग अब नागरिकों द्वारा की जा रही है। आता जे पावसामध्ये काम चालू केलं आहे त्या पावसाच्या ह्याच्यामध्ये खूप अडथळे होत आहे। जसं काही त्या गड्ड्यामध्ये सामोरच्या गड्ड्यामध्ये गाड्या लटकत आहे, काही पडत आहे। बहुतेक करून ते उन्हाळ्यात काम करायला पाहिजे होतं, पण आता ते चिखलामुळे पावसामुळे पूर्ण चिखल, जाण्यायेण्याचा त्रास हा खूप त्रास होत आहे। चाळीसपासून कमी कमी 4-5 गाड्या पडल्या खाली फॅमिलीसहित। साइकिल से है, मुझे बहुत तकलीफ हुई यहाँ पे जाने आने वाले की। ये काम फिलहाल तो अपने धुपकाले का है, धुपकाले में जो काम करना चाहिए वो अभी ठंडी में कर रहे हैं, और ठंड में लोग कहाँ कहाँ से जाएंगे। देखिए आप, ये रोड पूरा भर के चिकल से पूरा भर के, और मेरी साइकिल पूरी ख़राब हो गई। मेरा गिरने वाला था मैं वहाँ पर, कुछ काम चालू है लेकिन बंद भी करके रख दिया, अभी खोद खाद के पूरा ऐसे ही रख दिया। आम्हाला हा जाणे येण्यासाठी खूप त्रास होते, चिक्कल होते पाण्याने, आणि खूपच असं घाण झाली आहे। हे खोदलं तसं ठेवलं आहे, हे काही पूर्ण झालं नाही। सायकलीनं पडतात, गाडीनं पडतात, गाड्या स्लिप होतात, खूप त्रास आहे काही लोकांना, जाणे येण्याचा प्रॉब्लेम असते। उसी तरह शहर में अनेक जगहों पर ऐसी स्थिति है। समता चौक से किरमे प्लाट व एनरिच स्कूल जाने वाले मुख्य मार्गों की दुर्दशा, जहां पर चौपहिया वाहनों के लिए रास्ता बंद है। संबंधित ठेकेदार तथा मनपा का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके संयुक्त तत्वाधान में ये चंद्रपुर शहर महानगर पालिका को अमृत योजना के मार्फत में ये जो पीने की पाइपलाइन दी है, ये बहुत बड़ा वरदान चंद्रपुर के लिए है। और जब काम करते हैं हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नागरिकों को तकलीफ तो सहनी पड़ती है, लेकिन जब हमने देखा कि कुछ दिनों से काम बंद करके वैसे ही गड्ढे रखे हुए कॉन्ट्रैक्टर ने, और वो दिवाली में गाँव चला गया, तो हमने जानबूझ के अभी हमारी 29 तारीख को जो आम सभा हुई, उस 29 तारीख की आम सभा में उसको पाचारण किया था, क्योंकि मेरे नगर सेवकों के अतिरिक्त जो विरोधी नगर सेवक है या जो आम पब्लिक है, उनका भी रोष था कि भाई जो गड्ढे करके रखे पाइपलाइन के लिए, लेकिन गड्ढे बुझाए नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे वो बुझाए नहीं, और जो बुझाए हैं वो बराबर लेवलिंग नहीं किए, इसके वजह से अंदर से मिट्टी वैसी रही है, पूरा भर चुके नहीं है, सॉलिड नहीं हुआ है वो, तो ट्रक भी फंस रहे थे, बुजुर्ग गिर रहे थे, बच्चे अपने गाड़ियाँ लेके गिर रहे थे, गृहिणी गिर रही थी। ऐसा जब हमारे पास में कंप्लेंट आई तो महापौर इस नाते से मैंने उसको सभागृह में खड़ा किया, और उसका जाप मेरे पूरे नगर सेवकों ने उससे पूछा, और हमने उनको सूचना की है, सूचना ही नहीं की है तो आदेश दिया है उनको कि अभी फिलहाल नई पाइपलाइन का काम बंद रखा जाए, और जो गड्ढे आपने किए हैं वो 8 दिन के भीतर में उसका पूरा लेवलिंग होना चाहिए। जहाँ गट्टू लगाना आवश्यक है वहाँ पर गट्टू तुरंत लगाया जाए, क्योंकि होम टू होम जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए फिर फोड़ना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर होम टू होम कनेक्शन हो गया है वहाँ पर गट्टू की प्रोसीजर तुरंत करा जाए। जहाँ पर रोड इस तरह से खुदाई करके रखे वहाँ की भी मरम्मत की जाए, ऐसे पूरे आदेश हमने वो ठेकेदार को आम सभा में दिए हैं। इसके अनुसार 2 दिन से वो काम भी चालू हो गया है, और मैं जनता से दिलगिरी व्यक्त करती हूँ कि उन्हें तकलीफ हुई है, लेकिन आगामी दिनों में उनको इस तरह की तकलीफ ना हो, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगी। सीटीवी न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता प्रणय कुमार बंडी के साथ में शैलेश गणवीर।